आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए जन्माष्टमी के अवसर पर कुछ नया ट्राई करें, मीठा कुछ बना लड्डू गोपाल के लिए। तो चलिए मैं आज जा रही हूँ मावा की बर्फी बनाने। मैंने 750 ग्राम के लगभग मावा लिए हैं। इसे मैं अब भूनूंगी हल्का सा। ये 200 ग्राम के लगभग, 200 से 300 ग्राम के लगभग चीनी है, इलायची है, 2 इलायची मैंने लिए हैं जिसको कूट लिए हैं, काजू को मैंने कट कर लिए हैं, यहाँ थोड़ा सा किशमिश और बादाम है। तो चलिए अब हम लोग खोया को सबसे पहले भूनते हैं। मैंने पहले कढ़ाई गरम कर लिए हैं, मोटे तले की आप कढ़ाई ले, उसे आप गर्म कर ले और उसमें इसे अच्छे से भूने, इस तरह से हाथ से तोड़ते जाएं, इस तरह से। बराबर में भूनिए, इसे देख सकते हैं 5 मिनट के लगभग लग जाते हैं इसे भूनने में। आप देख सकते हैं खोए भून गए हैं, थोड़ा सा और भून लिए। उसके बाद मैं इसे उतार लूँगी, गैस बंद कर दूँगी। देख सकते हैं इस तरह से। अब चलिए मैं इधर गैस बंद कर रही हूँ और इसे छोटे बर्तन में थोड़ा सा ठंडा होने से इसी तरह का आप भी इसे भून लें। इस तरह से इधर आप देख सकते हैं मैंने इंडक्शन पर पैन गर्म कर लिए हैं। इसमें आप थोड़ा सा हल्का सा पानी डालें, चीनी और चीनी ऐड करके इसे आप बराबर से चलाते रहें स्पून की सहायता से। इस तरह से आप जब तक चीनी गले नहीं तब तक इसको अच्छे से चलाते रहें इस तरह से। और आप इसमें इलायची के दाने जो मैंने कूटे थे वो आप इसे छिलका के साथ भी डाल सकते हैं या ऐसे भी आप इसे डाल दें। इससे स्वाद बहुत ही अच्छा और टेस्टी होता है, बहुत ही जल्दी ये गल नहीं जाता। इस तरह से ध्यान रखें बराबर से चलता रहे, नहीं तो ये गलने लगेंगे। इस तरह से दो से तीन चम्मच के लगभग मैंने पानी ऐड किया, क्योंकि खाली चीनी आप अगर पैन में डालेंगे तो वो जलने लगेगा, चिपक जाएगा, जो स्वाद में अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से आप इसे पूरे मेल्ट हो जाए। उसके बाद मैं आप लोग बताती हूँ कैसे। आप देख सकते हैं चाशनी अच्छे से हो चुकी है। आप इसे ठंडे पानी में डाल करके आप चेक कर सकते हैं, ये हल्का सा इस तरह का बंधने लगा। देखिए इस तरह का बंधने लगा है, इसका मतलब है कि यह हो चुका है, देख सकते हैं। अब मैं इंडक्शन को बंद कर दूंगी, देख सकते हैं। अब इसे हल्का सा ठंडा होने दे, उसके बाद मैं बनाती हूँ। तब तक उधर खोया भी ठंडा हो जाएगा, दोनों को मिक्स पूरी तरह से ये जमने लगे हैं। अब ये ठंडा हो चुका है, अब आप इसमें खोया डाल दें। इस तरह से खोए भी ठंडे हो चुके हैं, सारे खोए डाल करके इसको अच्छे से इस तरह से आप मिलाते रहें। देखिए इस तरह से मिलाते जाएं, देख सकते हैं। पूरे खोए में डाल लूँगी, अच्छे से डाल करके इसे मिला लें। आप देख सकते हैं मैंने खोए और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब मैं इधर आप देख सकते हैं मैंने थाली को ग्रीस कर लिए हैं घी डाल करके। आप भी इसी तरह से ग्रीस कर ले, उसके बाद मैं इसे इसमें ट्रांसफ़र कर ले इस तरह से। आप देख सकते हैं पूरे अच्छे से मैंने मिला लिए हैं पूरे, इस तरह से आप भी मिला लें। इसे आप 5 से 10 मिनट के लिए, आप चाहें तो फ्रिज में भी इसे रख सकते हैं। इस तरह से कटने के बाद में अभी ये गर्म है इसलिए मैं इस तरह से आप भी कट अप कर लें, बर्फी का शेप देते जाएं इस तरह से। हल्का सा गर्म रहे तभी आप काट लें, नहीं तो बाद में बैठ जाने पर काटने में नहीं बनता है। इस तरह से सावधानी से करें, बर्फी का शेप देते जाएं। और इस पे जितने ड्राई फ्रूट हैं उसे आप इस तरह से देख सकते हैं। आप अपने भी बाल गोपाल कृष्णा जी को इस तरह की बर्फी बना करके सर्व करके भोग लगाए इस कृष्ण जन्माष्टमी में, ज़रूर आप ये बनाएं इस तरह की बर्फी। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। इस तरह से आप ही काजू से डेकोरेट कर ले, इस तरह से काजू से डेकोरेट करें या आप किशमिश डाल सकते हैं, पास्ता जो आपको इच्छा हो, और ड्राई फ्रूट आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके च्वाइस के ऊपर है। अगर आपको किशमिश अच्छी लगती है तो आप किशमिश डाल सकते हैं, पास्ता अच्छी लगती है तो आप पास्ता भी यूज कर सकते हैं।
काजू भी डाल सकते हैं और अपने बाल गोपाल को भी बनाइए, खिलाइए और ख़ुद भी इंजॉय कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।